शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक्सटॉर्शन यानी रंगदारी टैक्स की रकम नहीं मिलने की वजह से एक और हत्या। आज सुबह सवेरे दिन दहाड़े सरे बाजार सरे आम मशहूर बिल्डर श्याम अग्रवाल को 3 लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। सबसे पहले हमने और आपका चैनल कल तक ने ये भंडाफोड़ किया कि इस खूनी खेल के पीछे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना मजनू का हाथ है। बचपन से एक एक करके इसने सैकड़ों खून किए, बच्चे बूढ़े नौजवानों को तो क्या लंगड़े लूले अपाहिजों को भी नहीं बख्शा। कमाल है, अरे इतना पैसा कमाते हैं, थोड़े इन बिचारों को भी तो दे देना चाहिए ना। अब पैसा छाती पे लेकर चले जाएंगे क्या? मेरा हार्ट फेल कराओगे क्या? हार्ट फेल तो आप हमारा करवाने वाले थे, मतलब ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे मजनू भाई ने आपको धमकी दे दी। दी है, दिन दहाड़े दी है, दुकान के अंदर आकर दी है। लगता है मुझे कल तक तो मेरा भी यही हाल करेगा मजनू भाई। मज्जू भाई? अपना मज्जू भाई? अरे मतलब मज्जू भाई ने आपको धमकी? मुन्ना है मुन्ना, मुन्ना। आप पहचानते हो उसे? लो, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। अरे आप एक बार मेरा नाम लेके तो देखते। मांगने की जगह ठंडा पिलाता, उल्टा दे के जाता। नहीं, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है और मुझे कुछ देना भी नहीं है। कितने भोले हैं आप। जाइए, तैयार होकर मेरे साथ चलिए, देखिएगा हमको देखते ही कैसे हमारे पैर पे गिरेगा धम। ये मज्जू मज्जू क्या लगा रखा है, खुद लाड़ में आ गया? मेरे दो आदमी की शादी क्या करवा दी? अपने आप को मेरा बाप समझने लगा तू? अरे भाई, हम दोनों की बीवियां भी भाग गई, ऐसी लड़कियों से तो शादी करवाई इसने। हाँ, ऐसी उल्टी सीधी शादियां करवा के बहुत पैसे कमाए ना तूने। शाम तक तू भी एक खोखे का बंदोबस्त कर ले। और तू सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच अब तू 5 नहीं 6 ला कर देगा, समझा? अभी तुम लोग अपनी गेम चालू करो। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। मैं लाया? तू लाया? और तेरी वजह से मेरा एक बढ़ भी गया। तू लाया? मेरे ऊपर भी तो एक पड़ गया ना। सलाम साहब कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? सलाम साहब, भाई का चौकीदार है, एक बार भाई को सलाम नहीं किया। भाई ने 6 महीने तक हर एक आदमी को देखकर सलाम ठोकने की सजा दी है इसको। अरे ये भाई का प्राइवेट जेल है, इन लोग सब सजा काट रहे। और इसका क्या हुआ? भाई की बर्थडे में फुग्गे कम लगाया, बोला फुलाने में तकलीफ होती है, नेक्स्ट बर्थडे तक फुग्गे फुलाने का काम दिया है। अब इसका क्या होगा? अरे यार, ये तो डॉक्टर है ना। भाई तो इसका अदृश्य डिस्पेंसरी खोल डालेंगे। जिसमें डॉक्टर भी यही होगा और पेशेंट भी यही होगा। हाथ में चाकू और कैंची देंगे और बोलेंगे खुद का ऑपरेशन कर। भाई साहब, मैं तो भाग नहीं सका, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, अभी सीधे उदय शेट्टी भाई साहब के पास पहुंच जाइए। वही एक फरिश्ता है जो आप लोगों की इस मुसीबत को दूर कर सकते हैं। उदय शेट्टी शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं, ये मजनू भाई भी। अच्छा, ए चल बे शाने, चलो उठ। ए उड़ा ला रे, कोट पकड़। देख आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठ जाने तो हमेशा के लिए उठ जाएगा। उठने के लिए थोड़ी बेहोश हूँ। नहीं उठेगा। गोली कहाँ है बे? ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में, मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? अरे भाई, आपका गेम कौन बजा सकता है भाई, लेकिन घोड़ा और गोली एक साथ एक जेब में रखे ना भाई, तो पता नहीं आप कितने लोगों का गेम बजा डालोगे भाई। ये लो ना गोली भाई। भाई ने गोली भर ली है, अभी भी टाइम है, उड़ जा घुंगरू, नहीं तो। खाली नाम घुंगरू है मेरा, लेकिन कोई बजा नहीं सकता मुझे।
भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। लेकिन अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। हाँ। इसकी पैंट उतारो, नंगा करो साले को। ठीक है भाई। डॉक्टर के सामने तो सब नंगे होते हैं, और डॉक्टर को भी कर लो, कर लो कर लो। भाई ये पहले से ही बहुत नंगा आदमी है, अभी भी साला यू यू कर रहा है। भाई छोड़ो ना ये बीच वाले को, मेन पार्टी से बात करते ना डायरेक्ट। मैं फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनने वाला। अरे छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, मेरी बीवी को अनाथ कराओगे क्या? सर सर आप ही समझाइए। अरे क्या समझाऊं, मैं खुद प्रोड्यूसर नहीं बनने वाला। अंडरवर्ल्ड डॉन, उदय शेट्टी हीरो, नकली नकली फिल्म की शूटिंग। अरे उसे पता चल गया तो असली असली गोलियां चल जाएंगे यार। गोलियां नहीं चले अंकल, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश 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 मतलब यहाँ पे गारंटी को कहते हैं, कोशिश मतलब गारंटी। और सारी तैयारियां हो चुकी है सर, सुनील शेट्टी साहब भी मान गए। सुनील शेट्टी जी? सुनील शेट्टी साहब इसी होटल में ठहरे। अच्छा? उनको जब हमने अपनी प्रेम कथा बताई तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं सुनील शेट्टी, ये संजना शेट्टी और वो उदय शेट्टी, और उनको सुधारना है तो मैं तैयार हूँ और सब कुछ ठीक है यार। लेकिन उदय भाई की नजरों में तुम शादीशुदा हो, उसका क्या करोगे? वो भी मैं भैया को समझा दूंगी कि ये इनके मामा जी की चाल थी। बस बात खत्म। अरे आजिए भाई, वेलकम वेलकम। अरे सुनील शेट्टी भी है? हाँ वही तो हीरो है। राजीव तुम्हारे डायरेक्टर दोस्त से कहकर भैया को सुनील शेट्टी से मिलवाओ ना। अरे इसमें क्या बड़ी बात है ना। देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाउंड स्क्रिप्ट के बगैर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। अरे स्क्रिप्ट तैयार है भाई। कहाँ है स्क्रिप्ट? यहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील शेट्टी साहब, उदय शेट्टी, शेट्टी चलर। उदय शेट्टी। अच्छा अच्छा, एक एक करते। नहीं नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आपको शक है मेरी काबिलियत पे? अरे नहीं नहीं सर, आप तो ग्रेट डायरेक्टर हो, जीनियस हो आप। लेकिन मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल से आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं, वरना यू आर आउट ऑफ द फिल्म, दैट्स इट। ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। बार बार से ट्राई। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं छलक पा जाऊंगा? अरे जाइए आप, जाइए, आप आपके बिना फिल्म बनेंगे। ये क्या किया आपने, जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी, कहां से लाएंगे? अरे लाएंगे कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। इधर आओ। अरे तुम, हाँ उधर देखो, देखो देखो, चश्मा लगा, अच्छा लगे। Now you are my hero. मिल गया सर, हैं? तार। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये काम नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? अरे इन्हें कहाँ एक्टिंग आती है, ये तो अपना बिजनेस शूटिंग। यहाँ के नहीं कैमरा है, और इस कैमरे ने आपके अंदर के कलाकार को पहचान लिया है, सही कह रहा हूँ मैं? एक्चुअली मैं बताओ ना। एक्चुअली भैया को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। भाई साहब एक मिनट साइड में आइए, एक्सक्यूज मी। सब आप क्या कर रहे हैं, इस आदमी को नहीं झेल सकते हैं। क्यों? अरे पागल है, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था सुनील शेट्टी साहब से। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है, आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। एक्शन, आलू ले लो, कांदे ले लो, आलू ले लो। अरे कमाल, कमाल का शौक दिया है, कमाल। एक बात नोट कर लो मेरी, इस दुनिया को बहुत बड़ा एक्शन दे रहा हूँ मैं आज। कीप इट अप, शाबाश। अगले शॉट की तैयारी करते हैं, यूनिट आगे ले चलो। हाँ ठीक है, चल। वाह भाई साहब, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। संजना तुम कुछ नहीं कहोगे? भैया मुझे तो लग रहा था आपके साथ बहुत मुश्किल होगी, लेकिन कितनी आसानी से सब कुछ हो गया ना। देख देख देख, बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा। हाँ जी जी, बोली बोली। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में? नहीं नहीं, मैं टिश्यू टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, वाह। सुबह से ना कोई आलू बिका है, ना कोई कांदा। आधा, हाँ आधा 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 कांदा। भाई साहब ये शॉट बुला रहे हैं। मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन मैडम?
आपकी फिल्म की हीरोइन सर। आइए देखी तेरी अदा हो गया मैं फिदा तेरा ये लड्डू बना शेटे शेटे। आइए ना सर। आप हैं मिस ईशा। हेलो। सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कोई सोच भी नहीं सकता कि आपकी पहली फिल्म है और शूटिंग का पहला दिन। I'm glad to meet you there. Same here. Hello. I hope you don't mind me calling you there. No, not at all. Madam, आपका shot ready है? अरे, yes. देखो दे, बुरा नहीं माना please. No. मैं यहाँ ये फिल्म छोड़ने आई थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चला कि डायरेक्टर ने हीरो को निकाल दिया है, I wasn't very comfortable, you know. I know. लेकिन जब मैंने आपकी एक्टिंग देखी, oh my god, I mean. The way you said that dialogue, आलू ले लो, कांदा ले लो, मैं तो आपकी फैन हो गई। नहीं बस छोटे मोटे एक्टर को देख के जरा करने की कोशिश। I want your autograph. Oh yes. Thanks. Welcome. अब साथ काम करने में मजा आएगा। बहुत। वेलकम। बाय बाय बाय। भाई हाँ, लगता है ये हीरोइन आपके प्यार में गिर गई। भाई निकलो। लगता है हमारी शादी नहीं हो पाएगी राजीव। यहाँ शॉट खत्म और वहाँ भैया की क्राइम फिल्म शुरू। संजना, एक बार तुम ही बता रही थी ना कि तुम्हारे भैया को घोड़ों से बहुत डर लगता है। हाँ, क्यों? ये इतने घोड़े किस लिए आए हैं यहाँ? डायरेक्टर ने शॉट चेंज कर दिया। क्यों? पहले आप चलकर आ रहे थे ना लड़की का हाथ मांगने पिताजी से, अभी आप 25 आदमियों के साथ घोड़े पर आएंगे। घोड़े पे? लेकिन ये हाथ मांगेंगे कैसे? इन्हें घोड़ा वोड़ा चलाना नहीं आता। नहीं, हमारा घोड़ा तो ठीक है, हम चला लेते हैं। ये घोड़ा चलाना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है भैया, आप खाली ऊपर बैठ जाओ, घोड़ा अपने आप चलेगा। नहीं, लेकिन पहला शॉट अच्छा था, मैं चल के आता हूँ, जरा समझाओ ना उसे। भाई साहब, आप तो जानते हैं, अभी वो डायरेक्टर को समझाने जाऊंगा सर, फिर आदमी पिक्चर बंद कर देगा। आप चाहते हैं पिक्चर बंद हो जाए? फिर बताइए कौन सा घोड़ा चलाएंगे आप? दे दो अभी कोई भी। मुझे इतना भुदकने की आदत नहीं, रुकना। अरे अरे ये इसका रुक। अबे क्या कर रहा हो यार, क्या कर रहा हो? अरे भाई लड़की का बाप इधर है, इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा तुमको यार? देखो यहाँ घोड़ा रोकना है, उतरना है, चल के आना है, लड़की के बाप से हाथ मांगना है, सिंपल है यार। अरे ये नहीं ना रुकता, मैं अरे क्या भाई अपने आप नहीं रुकता है घोड़ा, रोकना पड़ता है, लगाम खींचना पड़ती है। चलो एक बार और करते हैं। ए बाबा रुकता है, थोड़ी चला। साउंड रेडी है क्या? साउंड 132 एक्शन। आओ आओ। अरे आगे कहाँ जा रहे हो मुझसे? अरे भाई किधर गया? किधर गया हीरो? अबे किधर है बे? कहाँ है आप? मैं इधर हूँ इधर। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं आप बीच में? लड़की का बाप इधर है। ये बाप घोड़ा मान नहीं रहा ना मेरा, मैं क्या करूँ? अरे अरे तो हम भी क्या करें, शूटिंग बंद कर दें। किसको? घोड़े वापस ले दो। हेलो, आ रहे ना यार, बोला ना आधे घंटे में आ रहे हैं। क्या दिमाग का दही कर रहा है? अब देखना इनकी मीटिंग कैसे कैंसिल होती है। यार वो उदय भाई अभी भी शूटिंग में अटके हुए हैं। तूने रिजल्वा को जाने क्यों दिया? आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्ट कट का हुआ ट्रेन बने लोग आलतू फालतू बातें कर रहे हैं यार। मेरी बात नहीं, आप रहिए यार, आप चुप रहिए। चलो भाई जाने दो। तुम आने क्यों देते हो ऐसे लोगों को? टेक करो भाई। साउंड रेडी है क्या? साउंड टेक 57 एक्शन। अरे मैं
आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ प्लीज। कट इट यार, कट इट। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या बराबर घुटने पे आया, हाथ मांग रहा हूं। ऐसे मांगेंगे आप? घोड़ा रुका नहीं, आप गिरते पड़ते हाथ मांगेंगे आप? ऐसे लड़की का हाथ देगा वो? अरे हम पे नहीं, कम से कम घोड़ों पर तो रहम खाओ। प्लीज प्लीज एक एक शॉट। अरे घोड़ा पकड़ आप। मेरी बात। अरे किसको हीरो ले लिया मैंने अपनी फिल्म में? उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसके ऊपर। बदतमीज गधा। मजनू भाई साहब, मजनू भाई साहब, मजनू भाई साहब, प्लीज राजी तुम्हारी भाई। ए गधा, किसको बोला? हमारे उदय भाई को। ए बंद करो ये छोटी का नाटक। अबे लाल टमाटर के बीच तू उदय भाई से भीख मंगवाएगा? हाँ लोग उनसे भीख मांगते हैं, शादी नहीं करवानी उसे? भीख मांगने की बात नहीं, उदय भाई का घोड़ा कभी आगे रह गया कभी पीछे रह गया, वो नहीं जा सकते उदय भाई के पास? क्या हुआ था? अरे भाई का इधर है भाई। अरे क्या है बुड्ढा? क्या कर रहे हैं आप? ये सब किसने किया? आपके मजरू भाई ने डायरेक्टर को मारा, प्रोड्यूसर को मारा, लाठों से मारा, घूसों से मारा, जूतों से मारा, किसी की नाक तोड़ी, किसी का मुंह तोड़ा, किसी का सर तोड़ा, वो देखिए सब कुछ तोड़ दिया, और तो और आपका एक्टर बनने का सपना भी तोड़ दिया। अरे डायरेक्टर साहब कुछ तो बोलिए। बैकअप, बैकअप, पिक्चर बंद, पिक्चर बंद, बैकअप भाई, बैकअप आपका, बैकअप। साला चलता है मुझसे मजनू। फिर घड़ी रुक गई। 70 लाख कहां से लाऊं भी? भाई हाथ में बहुत खुजली हो रही है। अरे तुम्हारा भाई जिंदा है ना, तो पैसे की कोई चिंता मत करो। नहीं बिल्कुल भाई, तो मुझे भाई बोलते हो तो समझो प्रमोशन धक 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 हो जाए। वो तो पक्का बोला। ये तू पकड़ना। थैंक यू भाई। अरे तुम पकड़। अब देखो जैसे सीटी मारू लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा हाँ, भाई को याद करो। हाँ, हाँ, पैसा चाहिए हो कुछ भी चाहिए छोटो चिंता मत साहब। जाओ इसको पिकअप चाहिए। छुट्टा नहीं है। अरे ये तेरी टिप है, टिप ले। 1000 रुपया टिप है, टिप है, चल। 1000 रुपया टिप? चाय के पैसे बाद में दूंगा, चल। थैंक यू साहब। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। ए छोटू। जी साहब। अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 AC क्यों नहीं मंगा लेता? कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो 5-स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने धंधा है क्या? धंधा नहीं है ये। ओ सरक सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। ए चाय लाना मेरे भाई। ए भाई अभी अपनी पहचान हो गई ना, साहब के लिए मेरी वाली स्पेशल चाय बना के दे। ए भाई। अरे अरे तुझे जाना हुआ कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गए ना भाई। अरे भाई प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसके लिए कम से कम 70 चाय। शक्कर डाली जी? ए जा 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 साहब के लिए मेरी वाली 10-12 चम्मच शक्कर ला। जा 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 ना भाई। भाई इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास। 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 बैठ, इतना उदास मत हो। मेरे दिमाग में एक और स्कीम है जो कि 30 लाख रुपए की है। 30 लाख? हाँ भाई मेरे पास तो 20 लाख है। शिट करो कुछ करो भाई। चल ठीक है ठीक है ठीक है। एक काम कर, कहाँ है पैसे? बाजू में भाई, नकद कैश।
अभी ला सकता है? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। एक काम कर, 22 नंबर बंगले पे ले आ। जी भाई, मैं पैसे okay. आप बंगले पहुँचो, मैं अभी पैसे लेकर पहुँचता हूँ। जाओ 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 जाओ। बाकी के 50 लाख कहाँ से लाऊं? भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू जा, मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई बहुत बड़ा ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तू जा, तू जा, अरे बाबा बाबा, तू जा, अच्छा भाई तू जा यार, तू जा, दिमाग खराब मत कर, माफ कर दो, आप मेरे गॉडफादर हो भाई। मैं किसी पर नहीं, अरे मैं पैसे लेके जा, जा अपने बच्चों को मिठाई खिला, जा। तू तेरे लिए 10 रुपए वाली स्कीम ही अच्छी है। अरे मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई, मैं आपके लिए लाता हूं ना भाई। ठीक है, मैं अभी बंगले पर पहुंचता हूं। ओके आएगा ना? आऊंगा ना भाई, पक्का आएगा ना? अरे 100% आऊंगा भाई। ₹150 देगा। एक का 150 यानी कि दो का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। ए कचरा सेठ का कचरा नहीं करने का। ओ सेठ, मेड इन जापान। तो जापान के चोर बाजार में जाके बैठा। पहले वो लक्ष्मी फंड वाली ने लूटा, अब तू भी लूट ले। ये ले खींच ले। मजाक मत करो बाबू भैया, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। 4-4 इंपोर्टेड जूते थे, अभी एक नहीं दिखाई दे रहे मेरे को। ओ। ये कल रात को मैंने राजू के सर पे मारा तभी तो थे रे बाबा। ए श्याम, ये ले रहे एक वक्त की रोटी और बाबू भैया का दो वक्त का बाटली लेके आया मैं। कितनी गोड़ है। खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आया? लेकिन पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। अरे तो पहले बोलना चाहिए, अभी मैं फर्स्ट क्लास नाके निकला, पूरा मैल निकाल दिया। ला बाटली ला। अरे यार मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने मेरे जूते देखे क्या? इंटरव्यू के लिए जाना है? हाँ। अरे पहले बोलता ना, इंटरव्यू के बाद भेज देता तेरे जूते। मतलब तूने मेरे जूते बेच दिए? अरे कोई आइटम बचा ही नहीं बेचने को। बाबू भैया ये आइटम के बच्चे फट जाएगा, फट जाएगा। अरे तेरी बनियान तो फटी नहीं है, अब सूट के नीचे क्या पहनूंगा मैं? स्लीपर पहन के घूमूं क्या? छोड़ मेरे को, इनको देखो, देखो बेचारे को, इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा, बेचारे ने कुछ बोला? नहीं बोला। तूने घड़ी बेचा? आपका बोतल गिर गया। बाबू भैया आप उसको छोड़ना मत, आपके पीछे। आप घड़ी लेके क्या करोगे? आपका टाइम तो वैसे ही खराब चल रहा है। साला टाइम तो भी तेरा खत्म रे। बाबू भैया छोड़ना मत इसको। पहले तो उसको पकड़ तो सही रे बाबा। ए ए ए गरीब ये चप्पल क्यों? मेरा गरीब बेचा है। खाना नहीं दूंगा तेरे को मैं। अरे तेरा खाना क्या नहीं देगा? अरे बाबू आप बीच में क्यों? मारो उसको। मेरा पीछे क्यों पड़ा? इसको पकड़ो यार। बाबू भैया देखो फिर मार रहा आपको। देखा काय को आ रहा है? आप दीजिए ना ले रहे क्या? मार रहा यार, मराठी मार सा जागा हो। बाबू भैया आइए, बाबू भैया आइए, आइए 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 बाबू भैया, मर्डर कर दो उसका, आप उसका मर्डर कर दो, मैं आपके पीछे बेल्ट उड़ा दूंगा आपकी। बाबू भैया तोड़ ले रे कुत्रिया, कान जोड़ मेरा कान जोड़। हल्का क्या सर? धीर अरे ना मेरा नाक रे, मर्द की तरह लड़ना, मर्द की तरह। साला क्या किया मैं? आइए बाबू, ये लड़की। हाँ तो मैंने किधर बोला लड़का है? अरे बा निकल गई। निकली नहीं है रे बाबा, तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा, इधर ही खड़ी है। अरे धोती है? ये तो सलवार कमीज पहना है, धोतर नहीं पहना है रे। बाबू ये आपकी धोती। कुटे गिली। अरे उधर क्या कर रहे हो? लड़की इधर है, धोती पहनो। कौन राजू लपेट, जल्दी लपेट। चेंजिंग। अच्छा चास्ते टाइट अंदर डालो उसको। चास्ते टाइट हो गई। अरे मेरा हाथ तो कैसी है? आप यहाँ कैसे? जी मैं वो किराए के लिए आई हूँ। वो किराया क्या बाबा, वो जो समझ के देना ही दे देना। अरे नहीं मेरा मतलब है मैं किराया लेने आई हूँ। तो फिर राजू से ले लेना आप। हो, हो। आप इस चौल की मालकिन है? जी मेरे पिताजी यहाँ के मुनीम हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं आई हूँ। दीजिए 250 रुपए। हाँ ये लीजिए 1000 का। ये
ये 1000 रुपए किधर से ला? अलकट, मेरे जूते बेच के तूने ला, मेरे जूते के पैसे वापस आते। चड्डी के ऊपर पहनेगा? ये तेरे जैसा भिखारी नहीं है, सूट है इसके पास। सूट बेच के ही तो लाया हूँ, ये लीजिए। छुट्टा नहीं है मेरे पास। तो अपन बाहर चल के कॉफी पीते ना, छुट्टा करवा लेंगे ना। कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए, सुनिए रेखा जी, मीना जी, सीमा जी, जो भी नाम है आपका, मेरी बात तो सुनिए। ये देखिए, मैं आपको साले ने मेरा सूट बेचा है, मेरा घड़ी बेचा, गोल्डन चश्मा बेचा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप देखना, आप मर साले को, सांप के कचरा पेटी को मर। सुनिए मेरी बात सुनिए, अपने पीली सूट वाली, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं, हम लोग चल के पीते ना कॉफी, छुट्टा दे दूंगा। राजू बेलन देना, खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा सूट कहाँ है? वन पीस सूट था। तो तेरे को टू पीस देता हूँ ना, तो तू स्विमिंग पूल में बैठता पहन के। चोर, चोर तू, खोपड़ी तोड़। ए बाबू भैया, साले जा मेरा सूट ले, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। ए ये शाम, ए पागल मत बन, वो पतीला लगेगा। अरे लगेगा मेरे को। ये मार, मार का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। बाबू भैया, मारा इसने आपको, मारा इसको। अरे इसने आगे से लेफ्ट टर्न। बस बस बस, आइए आइए आइए, सब लोग आइए, आ जाइए आ जाइए, आराम से आ जाइए। ए, इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए आइए। ये घर है कि बंदूक का कारखाना? नमस्ते भाभी जी। काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? अरे काम वाली बाई है, भाभी थोड़ी है। ओ सॉरी यार। सेठ जी आ गए, सेठ जी, सेठ जी, ये 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 सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। जी जी, हे भाई क्या कर रहे हैं? ए बंदूक हटा। आप लोगों को अंदर बुलाया है, ऑफिस में बुलाया है। आइए आइए सेठ जी, बड़े दयालु हैं। आइए आइए तीनों आइए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने। सेठ जी, इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया, इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो। सेठ जी, अरे ये झूठ बोलते हैं। इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सेठ जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसने बोला स्टॉप, ए स्टॉप, तूप ताप लेने ता तिवाली तेता पैता था यार, तुम लोगों ने दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल, नहीं, 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 नहीं। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? ए तो दानपति ले ले, तामने तो जवाब, तामने तो जवाब देता है तू। वो तेरी तोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात इसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं रे, लात कैसे मारेगा? बहुत मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं दे, 20 लाख दे। अरे मैं समझाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है रे? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख दे। ताले ताले, तेरे को समझ में नहीं आता? 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है बे? तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं ताले, दिवाली का पैसा तू ताले मेला पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या माइला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तुम पे उला दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। अता ता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं मैं तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ।
मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ओलकतला में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल तोल रहा है, तोता ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। गाता था माँ कसम, मैंने देखा इनका बाप ना, इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल माजा दिल तू ही माजी मंदिर कहीं भी के ना ये तू तोतला मैं तोतला मेरा काम वाला ने बना काम वाला मेरा तगा वाला ले तू ए राजू ए शाम तान तोल के तुल लो मेरा तोतला तगे वाले का पैसा खाया तूने साला लौटा देना ना तो गोली से उड़ा दूंगा बोल दिया दे दे करे मैं चलता हूँ अबे दाता कहाँ है ताले दला पीछे मुलते देख आइला इसका मुंह किधर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई सुनो मेरे कुत्तो इन लोगों पे धर जाओ और जब मैं दो साल सामान मिले उसे लेते आओ ताजी बनियान सब लेते आओ